नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर है और दिन है शनिवार। आप सबसे निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आज खबर ये है कि सरसों ने आज फिर पिछले 4 दिनों की तरह से लगातार आज रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ी है सरसों, और कुछ थोड़ा सा और सुधार हुआ है। जयपुर का भाव आज 125 रुपये सुधर के आगे बढ़ा है, 8425 रुपये के स्तर पर आ गया है। और अब आगे का जो स्थिति है सरसों की, सरसों में कमज़ोरी यानी गिरावट की, बड़े मंदे की कोई संभावना दिखती तो नहीं है, लेकिन सरसों में एक ट्रेंड रहा है। एक शुरू से, जब से हम आप साथ चल रहे हैं लगभग अप्रैल के एंड से, तब से देखते आ रहे हैं कि जब जब सरसों थोड़ी बहुत कोई तेज़ी की तरफ बढ़ती है या रिकवरी करती है, 3-4 दिन लगातार जब रिकवरी हो जाती है या एक सप्ताह तक भी लगातार रिकवरी का मोड रहता है, उसके बाद सरसों एक बार एक ब्रेक लेती है। तो ऐसा लगता है कि शायद कोई एक आध दिन में कोई एक आधा ब्रेक देखने को मिले। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, जैसे कि पिछले सप्ताह में गिरावट आई थी और सरसों 350-400 से लेकर के 450 रुपये तक भी डाउन देखी गई, जयपुर का भाव भी और भरतपुर का भाव भी और सलोनी के भाव भी। लेकिन अब नहीं लगता है कि इससे इस तरह की कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरसों एकदम से 300-400 रुपये की तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाएगी। अगर ब्रेक लेगी तो फिर थोड़ा स्लो के साथ, थोड़ा धीरे के साथ आगे बढ़ेगी। और सरसों की जो बार बार जिक्र मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उपलब्धता जो है वो बहुत कम रह गई है मंडियों में। आवकों की रिपोर्ट जो देते हैं लोग, जो एजेंसियाँ दे रही हैं, वो रिपोर्टें शायद लगता है कि सत्य से परे है। उनमें कोई आधार नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ बहुत सी मंडियों में हम भी निरंतर संपर्क कर रहे हैं, 2-3 दिन से व्यक्तिगत रूप से मंडियों में संपर्क कर रहे हैं और आवके देख रहे हैं कि आवकों की स्थिति क्या है। तो आवके निरंतर बहुत लो लेवल पर आ गई हैं और ऐसे लगता है कि अब सरसों की जो देश भर में उपलब्धता है वो बहुत कम मात्रा रह गई है। इसका आंकलन भी आपको सरसों का कि कितनी मात्रा उपलब्ध हो गई है और कितनी किस तरह की आवकें हो रही हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा आपको मंडे के यानी सोमवार की वीडियो में उपलब्ध करवाने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरा आज विषय है चना। चना देखिए, चना की जो स्थिति बनी हुई है अप्रैल से लेकर के, जब से फसल आई है तब से लेकर के अब तक, एक बीच में एक अप्रैल का जो एक एंड में एक लास्ट का हफ्ता था उसमें एक बार भाव 5700-5800 के स्तर पर गया था और तब ऐसे लग रहा था कि यहाँ से जो चना है वो 6000 की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन हुआ विपरीत, क्योंकि सरकार ने चना पर स्टॉक लिमिट लगा दी और बाद में नेफेड ने, सरकारी जो एजेंसी है उसने अपनी तरफ से बिक्री शुरू कर दी। अभी भी नेफेड के पास स्टॉक पड़ा हुआ है और नेफेड लगातार बिक्री कर रहा है, लेकिन अब चने के अंदर कुछ मजबूती आने की, कुछ सुधार आने की संभावनाएं दिख रही है। हल्का सा सुधार आज दिल्ली लॉरेंस रोड पे देखने को मिला है 25-50 रुपए का, लेकिन शाम को वो भी 25 रुपए फिर कमज़ोर हो गया। जो सुबह सुधार हुआ वो शाम को कमज़ोर हो गया। अब चने में किस तरह से आपको सुधार दिखाई दे रहा है, वो इस तरह से सुधार दिखाई दे रहा है कि देश भर में जो चने की इस बार बिजाई बोवनी जिसको कहते हैं, उसका रकबा जो है वो बहुत कम होने की संभावना बन रही है। राजस्थान में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, राजस्थान में कोई बड़ा अंतर नहीं आ रहा है। गिरावट जरूर है, कम जरूर हो रहा है रकबा, लेकिन बहुत बड़ा रकबा कमज़ोर नहीं हो रहा है फिलहाल। अभी भी जो है पोजीशन काफ़ी ठीक दिखती है वहाँ पर। गुजरात में थोड़ा सा चने का रकबा बढ़ा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है और जो दूसरे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, उनमें जो है लोगों ने या किसानों ने सरसों को महत्व दिया है, क्योंकि सरसों के भाव आप इस बार देखते रहे हैं किस तरह के रहे हैं और किस लेवल पर गए हैं। तो चने का जो लेवल घट रहा है, बिजाई का लेवल घट रहा है, बिजाई का रकबा घट रहा है, एक तो उससे लगता है कि काफ़ी सुधार होगा चने के भाव में अगले साल तक भी। और अब इस बार की जो स्थिति बन रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो बरसात हुई है उसने चने की सारी बिजाई की फसल को लगभग नष्ट कर दिया था
अब वहां पर री सीडिंग हो रही है, दोबारा बिजाई का प्रयास हो रहा है, बिजाई का सीजन निकल चुका है और अब वो देखने की बात ये है कि दोबारा जो बिजाई होगी वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, कितनी सफल होती है कितनी नहीं होती है। कर्नाटका के अंदर जो हमारी चना की फसल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 40 से लेकर के 50% तक की फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है बरसातों के कारण, और जो जो उसके और आसपास के जो इलाके हैं जहां थोड़ी बहुत कहीं चने की बिजाई होती है या चने की क्रॉप आती है वहां पर भी जो बेमौसमी बरसातें हो रही हैं दक्षिण भारत में, तो वहां भी आपको इसका नुकसान दिखाई दे रहा है। और उसी दृष्टि से अभी भी जो चने की नई फसल आनी है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की बात हो, चाहे वो मध्य भारत की बात हो, चाहे दक्षिण की भारत हो, अभी भी चने की जो नई फसल आने का जो समय है वो 3 महीने कम से कम पड़ा है। मार्च के शुरू में फसल आएगी इस बार, कई बार फरवरी के एंड में फसल आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बिजाई कुछ कमज़ोर है और कुछ लेट है और मौसम साथ नहीं दे रहा है, इससे लगता है कि फसल लेट होगी और चने की फसल मार्च में आएगी। तो मार्च तक का हमारे पास अब सामान जो है यानी चने की जो उपलब्धता है वो कम है और चना यहाँ से कुछ ही दिनों के अंदर सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। कहना ये भी चाहता हूँ कि चना और तुवर दोनों में इस बार मंदे की संभावना नहीं है, तेजी कहाँ तक हो सकता है कहीं भी जा सकता है। कॉटन एक बार फिर स्टेबल है, स्थिर बना हुआ है, पूरे देश का जो वातावरण है कॉटन के पक्ष में खड़ा है, फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो नया कोरोना आया है जिसने भारत में भी प्रवेश कर लिया है, आपसे भी निवेदन है कि आप सावधान रहें। हमने अपने जो डेली बुलेटिन का जो हमारा अखबार है खेत खजाना का, उसके अंदर भी बड़ी विस्तृत रिपोर्टें हमने कॉटन के बारे में, तोर के बारे में, चने के बारे में और दूसरी मौके की जिन्सों के बारे में बहुत बात प्रकाशित कर की है और अब भी लगातार जारी है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोरोना से सावधान रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो भाव हैं वो अभी अस्थिर है, उसकी दिशा नहीं बन रही है। जैसे ही उसकी दिशा बनेगी तब जो कॉटन का बाजार है वो पॉजिटिव ही रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तेजी की तरफ बढ़ेगा। खल में भी, कॉटन की खल में भी और कॉटन बिनोला में भी जो है, कपास्या में भी और कपास्या खल के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों के, सरसों आज भरतपुर में रहा है 7,942 रुपये, मात्र 9 रुपये वृद्धि हुई है कल से, और जयपुर का भाव है 8,450 रुपये और बरवाला का भाव है 7,450 रुपये, चरखी दादरी 7,900 रुपये, गंगानगर 7,759 रुपये, हापुड़ 8,100 रुपये, कोटा 7,680 रुपये, रायसिंह नगर 7,800 रुपये, गंगापुर सिटी 7,925 रुपये, दिल्ली का भाव है 8,100 रुपये, अलवर का भाव है 8,100 रुपये, नागौर का भाव आज उपलब्ध नहीं है, संगरिया का भाव है 7,658 रुपये, लेकिन नागौर का जो भाव है वो भरतपुर के आसपास ही रहता है, जैसे भरतपुर का आज भाव है 7,942 तो उसके आसपास ही मिलना चाहिए। संगरिया में आज 7,658 रुपये, आदमपुर में भाव है 7,312 रुपये, नोहर में 7,100 रुपये, खेरली मंडी में 8,045 रुपये, ग्वालियर में 7,800 रुपये, बीकानेर में 7,300 रुपये, जोधपुर में 8,200 रुपये, निवई में 8,400 रुपये, टोंक में 8,380 रुपये, हिसार में 7,450 रुपये, हिंडौन में 8,002 रुपये और बारा मंडी में 7,570 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।